देख नहीं चल सकता भूतनी के। अबे चटनी के, अपने चश्मे का नंबर बदलवा, चलते चलाते स्टेशन तक तो आ गया है। गांव छोड़ के शहर जा रहा है ना। ओए गांव छोड़ के कौन जा रहा है, मैं तो लेने आया हूँ। लेकिन यहाँ कब आई? ये कोई 6 महीने हो गए। मिस्टर गुप्ता कैसे हैं? शायद ठीक ही होंगे। शायद मतलब? सारे मतलब यही पूछ लोगे क्या? अंदर तो चलो। अच्छा चलो आओ। ये क्या? तो तुम्हारा तस्वीर बनाने का शौक भी वैसा का वैसे है? वाह कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई है, दर्द को जैसे रूप दे दिया हो तुमने। वाह ब्यूटीफुल। इतनी तारीफ। फिर आपने पूछा क्यों? बस तुमसे बातचीत करने के लिए। अरे मेरी नूरी। नूरी बाबूजी। ए बाबूजी। ओफो ये तो घोड़े गधे सब बेच के सोए हुए। अरे तुम कोई सपना तो नहीं? सपना नहीं बाबूजी, सूरज निकल आया है। कब तक सोते रहेंगे? अभी अभी मैंने एक सपना देखा है। अच्छा क्या देखा सपने में? सूरज बहुत प्यारा सा। और वो सचमुच मेरे सामने निकल आया है। हाँ बाबूजी, सुबह का सपना बिल्कुल सच होता है। अच्छा? हाँ सच्ची मुच्ची। तभी तो तुम सपने से निकलकर मेरे सामने आई हो। जी मैं अच्छा अच्छा मैं चलती हूँ। बापू ने आपके लिए दही भेजा है। सुनो जी, इतना सारा दही क्या मैं अकेले खाऊंगा? क्यों, दही खाने से तो सेहत बनती है। कृष्ण कन्हैया भी तो खाया करते थे। तो क्या मैं तुम्हें कन्हैया लगता हूँ? कन्हैया जैसे ही तो लगते हैं। राधा आप मुझसे कुछ कह रहे थे ना? मैं राधा से शादी करना चाहता हूँ। भूल जाइए राधा को, अब आपका संबंध उससे कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारे बिरादरी का नहीं हूँ? हाँ यही समझ लीजिए। और अब आप राधा के बारे में सपने में भी मत सोचिए। जाइए और फिर कभी इस तरफ आने की तकलीफ मत कीजिएगा। शंभु काका क्या मैं राधा से एक बार मिल सकता हूँ? नहीं कभी नहीं। तुझे कैसे बताऊं बेटी कि तेरे भाग में क्या लिखा है? शंभो, हमारे गांव में आने वाला हर परदेसी इस गांव का मेहमान होता है। मेहमान भगवान होता है। और तो उस परदेसी बाबू की जान लेना चाहता है। नहीं महाराज, मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्या तू भूल गया शंभो कि तेरी बेटी बदशगुनी है? याद है महाराज, इसीलिए मैंने विनय बाबू को साफ मना कर दिया और अपनी बेटी को भी समझा दिया ये ब्याह नहीं होगा महाराज। मगर तूने अपनी बेटी को उस परदेसी बाबू से मिलने क्यों दिया? तेरी बेटी की छाया भी बदशगुनी है शंभो, और उसकी छाया उस परदेसी बाबू पर पड़ चुकी है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार तू और तेरी बेटी होगी। नहीं महाराज। नहीं का प्रश्न नहीं उठता शंभो,
ब्रह्मा का लिखा मिट नहीं सकता। अब भलाई इसी में है शंभु कि तू अपनी बेटी को लेकर गांव छोड़कर चला जा, ताकि उसकी मनुष्य छाया किसी और पर न पड़े। ठीक है महाराज, ऐसे ही होगा। महाराज क्या है? क्या विनय बाबू राधा को इतनी आसानी से जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे? इस गांव में वही होता है जो डंका कहता है, वही होगा और वही होना चाहिए। जी महाराज, वही होगा। गुलाबी रंग तुम पर बहुत खिलेगा, देखो तो।